नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम कक्षा 8 के पाठ 9 कबीर जी की साखियाँ की व्याख्या की चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, मतलब 5 दोहे हैं तो देखते हैं कितने होते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। तो पहला है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो बच्चों आप देख सकते हैं शब्द अर्थ जो लिखे हुए हैं आपको दिख रहे होंगे। साध का मतलब है साधु संत, ठीक है। मोल करो मतलब दाम करो, भाव करो। तरवार मतलब तलवार, मयान जिसमें तलवार रखी जाती है। तो ये आपने काफ़ी बार सुना होगा दोहा। तो कवि जी कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी साधु संतों की जाति नहीं पूछनी चाहिए, ठीक है। वे जात पात की भावना से बहुत ऊपर उठ चुके होते हैं, वे तो ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं। ऐसे लोगों से ज्ञान की बातें अधिकाधिक अधिक से अधिक ग्रहण कर लेनी चाहिए। वैसे भी जाति और ज्ञान का कोई संबंध नहीं होता, इसमें जात की बात की जा रही जिनमें हम फंसे हुए हैं। तो मनुष्य के लिए जाति नहीं ज्ञान महत्वपूर्ण है। जैसे हमें तलवार का मोल भाव करना चाहिए, म्यान का नहीं। दिखावा है ना म्यान, क्योंकि असली काम तो तलवार से लेना है, म्यान से नहीं। उसी प्रकार हमें जाति को महत्व नहीं देना चाहिए, ज्ञान को महत्व देना चाहिए। इसलिए जात ना पूछो साधु की, ज्ञान पूछो, तलवार का मोल करो म्यान का नहीं, ठीक है। तो यह पहला दोहा है। तो बच्चों दूसरा, आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए वही एक का ही एक। तो इसमें आवत का मतलब आते हुए, गारी का मतलब गाली या अपशब्द, उलटत जवाब देने पर होई हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो कबीर जी कहते हैं कि यदि हमें कोई एक अपशब्द कहता है ना, गाली देता है, हम उसका जवाब पलट कर अपशब्द से ही देते हैं, तो वो अपशब्द एक ना रहकर अनेक बन जाते हैं, क्योंकि वातावरण में वही शब्द और अधिक हो जाते हैं। अर्थात वातावरण दूषित हो जाता है, हमारे मन का भी, दिल का भी, दिमाग का भी और आसपास का भी। तो इससे आरंभ का एक अपशब्द बढ़कर अनेक बन जाते हैं। तो कवि मानव जाति को शिक्षा देते हुए बच्चों कहना चाहते हैं कि हमें बुराई का जवाब बुराई से कभी नहीं देना चाहिए, इससे बुराई और अधिक नहीं बढ़ पाती। अगर आप चुप रहेंगे तो बुराई नहीं बढ़ेगी। अगर मैं आपको तोहफा देता हूँ, आप नहीं लेते, वो तोहफा मेरे पास रहेगा। अगर आपको कोई गाली देता, गाली नहीं लेते, तो गाली उनके पास रहेगी, ठीक है बच्चों। अब आगे, माला तो करमै फिरे, जीव फिरे मुखमाह, मनवा तो दहुदिस फिरे, यह तो सुमरन्ना। तो कर का मतलब हाथ, फिरे का मतलब घूमे, चक्कर लगा, मतलब हाथ में माला चलाते हैं, माही में, मनवा हमारा मन हृदय, ठीक है। दहु मतलब 10, दिशी दिशाएं, सुमिरन मतलब स्मरण करना, भगवान का नाम लेना, सच्ची भक्ति करना। तो यहां पर कवि जी क्या कहते हैं कि जो मनुष्य है प्रभु भक्ति करने का दिखावा करता है, मैं खुद भी जब ईश्वर का नाम लेता हूँ, पाठ पूजा करता हूँ, तो मन टिकता नहीं है, कुछ और ही चलता दिमाग में। वह अपने हाथ में माला का मन का घुमाता हुआ भक्ति का ढोंग करता है जो इंसान है, क्योंकि ऐसा करते हुए वह अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता। उसका जो मन है वो 10 दिशाओं में भ्रमण करता रहता है, कभी ये चिंता कभी वो चिंता। तो कवि जी इस आडंबरपूर्ण एवं दिखावे की भक्ति को प्रभु की सच्ची भक्ति नहीं मानते। इस तरह के नाम स्मरण को वो झूठा मानते हैं, दिखावा मानते हैं। तो इसलिए हमें सच्ची भक्ति करनी है बच्चों। धन्यवाद। अगले दो दोहे अगली वीडियो में।